राशन बताइए और जो राशन वगैरह यहाँ पर बांट रहे हैं ये किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, ये सब इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान इस्माइल है, मैं एस काउंसलर हूँ, भारतीय जनता पार्टी से एस काउंसलर हूँ और एस चेयरमैन हूँ सटक बाड़ों से। ये काम तकरीबन पिछले 22 दिन से चल रहा है और लोगों को जगह जगह राशन मुहैया कराने का, खाना अपना खाना मुहैया कराने का। लोगों को जगह जगह खाना मुहैया कराने की हमारी मुहिम है कि लॉकडाउन के वक्त में कोई भूखा ना रहे। गंज क्षेत्र के कहाँ कहाँ मतलब आपकी टीम इस तरीके का काम कर रही है खाना खिलाने का लोगों को? जैसे ये आज नबी करीम में मुल्तानी डांडा में से, किला कदम शरीफ में से, श्यामजी मल्लान कल रात को वहाँ थे, अपना अगली नंबर 11 सदर नाला रोड, कुरेश नगर, नवाब रोड, बाड़ा हिंगराव, मोहम्मद इस्माइल मार्ग, कटरा गोरी शंकर, अनाज मंडी, कटरा आत्माराम, हाथा कितारा, चुमनी मिल, नई बस्ती, इस सारे एरिए के अंदर हूँ साइकिलिंग कर रहे हैं। इसमें ये जो फंड है या अपना है या सरकार से कभी फंड मिला है, आप इस तरह काम करते हैं? जरा सरकार ने आज तक राशन तो दिया नहीं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक महीने से जाहिर होने आ रहा है, एक पैसे की मदद नहीं रही दिल्ली की जनता की, दर बदर भटक रही है दिल्ली की जनता, घरों के अंदर बंद है, पता नहीं पानी भी किस तरह मिल रहा है, क्योंकि आज आप पानी की मोटर का इकट्ठा खोले तो 20 मिनट तक गंदा पानी आता है। 20 लाख लीटर पानी की केजरीवाल बात करते हैं, क्या काफी इलाकों को पानी मिल रहा है साफ सुथरा? जनाब यहाँ पानी होता था, देख रहे हैं आप लाइने, ये लोग बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से खींच के लाते हैं पानी मुहैया नहीं। जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, जिस तरीके लॉकडाउन और कोरोना की महामारी चल रही है, उस हिसाब से जो खाना राशन बांटने का काम लोग बाहर भीड़ लगा रहे हैं, तो ये नहीं दिखता कि सरकार को क्या इस तरीके की भीड़ नहीं लगाना चाहिए और लोगों को किस तरीके का राशन मुहैया कराना चाहिए, तो घर में या कुछ इस तरीके का कुछ? देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक महीने से दिल्ली की जनता को घरों में बंद कर रखा है, एक महीने से लोग परेशान है राशन के लिए। आपको लगता है ये पूरा लॉकडाउन जिस तरीके से पहले पिछले साल लगा था मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, वो लगता है कि लॉकडाउन है वो, तरीके वो लॉकडाउन आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, लोगों घर तक राशन की किटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस वक्त भी मैदान में था, आज के दिन भी मैदान में है, वो किसी से मांग कर नहीं, अपने साथियों के साथ जूझ डाल के जैसा भी जिस लायक भी है आपके सामने है, आप देख रहे हैं, तो हम इसी काम में लगे हैं, किसी ना किसी तरह के डूब के घर में खाना बचा सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम संजय नागपाला मैडम। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इमरान भाई पिछले काफी टाइम से, ये नहीं कि आज कल में सेवा कर रहे हैं, काफी टाइम से सेवा कर रहे हैं, ये किसी जात पात धर्म को नहीं देखते, आप इनके भी एरिया में जहाँ पर उनका पाठ पड़ता है, पाठ ये भी इनका पड़ता है, पूर्व से डाइन का घर है, उस एरिया के अंदर जाकर पूछिए इमरान भाई के बारे में कि इमरान भाई ने लोगों के लिए क्या क्या किया है। आप इमरान भाई के ऑफिस में कभी भी जाएंगे तो वो आपसे नाम जात बात धर्म नहीं पूछते, सिर्फ लोगों का काम कराते हैं। ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है हिंदू? नहीं 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 नहीं। अब मैडम ये जो प्रसाद विवरण जो भी आप समझती है, इसमें ना कोई हिंदू ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, सबके लिए एक बराबर है। ये नहीं कि ये अभी लॉकडाउन चल रहा है इमरान भाई अभी करा रहे हैं, आप कभी भी जाके इनके ऑफिस के अंदर जाइए, आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, पहले पानी पूछा जाएगा, फिर आपका काम पूछा जाएगा, उसके बाद नाम पूछा जाएगा। इमरान है एक, ये इमरान खान है, दूसरे इमरान है, क्या क्या फर्क महसूस होता है दोनों? अरे देखो जी, ये काउंसलर है वो एमएलए है, ठीक है, वो एमएलए मंत्री है, उनका थोड़ा काम ज्यादा है, मैं किसी के पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो करवा रहे हैं ये मिल के करवा रहे हैं, ठीक है। इमरान भाई अपने हर जगह करवाते हैं, कोई ये नहीं कि इमरान भाई आज लॉकडाउन लग गया तो लोग भी सेवा कर रहे हैं, इमरान भाई 12 मिनट 24 घंटे सेवा करते हैं, ऑफिस खुला था जब भी, बंद होता है जब भी, इन्होंने किसी के लिए नहीं बोला, ये अपने फंड से कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल सरकार ने बोला कि कूपन बटेंगे, लोगों को राशन दिया जाएगा राशन कार्ड में, मैडम इस बारे में मुझे नहीं पता कूपन के बारे में, ये इमरान भाई को पता हो कूपन के बारे में, ये बताएंगे आप। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल तक जाए, एक महीने से दुख बंद है, राशन एक महीने से क्यों नहीं मिल रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि हम दो महीने का राशन फ्री देंगे। अब उस दो महीने के राशन को फ्री में आप एक बात देखें,
बांटने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट की होती है। सेंटर ने राशन मुहैया करा दिया आपको, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लोगों की मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इतने सारे लोग कोरोना के अंदर मारे गए और कितने लोगों को मारने की तमन्ना है? बताओ, एक और सवाल था, जिस तरह से विधायकों को 2000 कूपन दिए गए और पिछली बार 660 लाख ई कूपन बांटे गए थे, क्या लगता है कि दिल्ली में 70 विधानसभा है, 2000 के खिलाफ 40,000 कूपन है, क्या वो काफी लोगों को पूरे हो जाएंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं सुबह से शाम तक हूँ कि खाना बांटने बनाओ, 1000 आदमी का जो हम जैसे अपना सा आदमी 1000 आदमी रोज से दे सकते हैं बना के खाना पका के, वो दिल्ली सरकार है महामहिम है। और बड़ी मजे की बात है कि विधानसभा में आप खड़े हैं, ये खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय इमरान हुसैन साहब की विधानसभा है, ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं 2000 70 विधानसभा के अंदर 2000 रुपया। इमरान हुसैन साहब ने यहाँ के लिए कुछ किया, यहाँ की जनता के लिए कुछ क्या करता है क्या? ये तो आप जनता से पूछे तो बात बेहतर रहा है, आप भी थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में, क्योंकि आप उन्हीं के आप इलाके में खड़े हैं, आप देख सकते हैं वही तो जिस तरीके से गलियों का सड़कों का यहाँ का हाल है, देखते चले आ रहे हैं, उन्होंने सर्वे कर लिया हमने गलियों का सड़कों का हाल, उसके बारे में पानी के बारे में बिजली के बारे में यहाँ की जो वायरें हैं इस तरीके से उसके बारे में आप वादे वादे रह गए, वो है ना एक खेत वादे में तेरे मारा गया मैं बंदा फिरा काटा वादा तेरा वादा। अच्छा ये जगह थोड़ी चेंज करो यहाँ पे आधे।